क्वेश्चन नंबर 15। तो आइए स्टूडेंट ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जिसका ट्रायल बैलेंस का टोटल है 29,15,000, मिल गया आप लोगों को। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ श्री पवन कुमार, मिला पवन कुमार वाला क्वेश्चन। ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। इसमें एक ट्रेडिंग अकाउंट दिया हुआ आपको, सॉरी ट्रायल बैलेंस दिया हुआ। क्या दिया हुआ? सबसे पहले हम ट्रायल बैलेंस पढ़ेंगे, ट्रायल बैलेंस पढ़ने के बाद फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में डिस्कशन करेंगे। ट्रायल बैलेंस के जो डेबिट में होता है वो कहां कहां पर होता है बताओ? वो जाएगा या तो ट्रेडिंग में डेबिट में, या जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, या बैलेंस शीट के एसेट में। तीनों जगह में से कितनी जगह पर जाएगा? एक जगह, दो जगह नहीं जाएगा, एक जगह ट्रायल बैलेंस वाले आइटम जाते हैं। आइए ड्राइंग्स कैपिटल में से लेस करेंगे, प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स, हॉर्स एंड कार्ट्स एसेट्स में बैलेंस शीट में जाएगा, डेटर्स बैलेंस शीट में जाएगा, परचेज और वेजेस दोनों ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे, कैश एट बैंक बैलेंस शीट में जाएगा, सैलरी रिपेयर्स दोनों पीएनएल अकाउंट में जाएंगे, स्टॉक ओपनिंग और क्लोजिंग। पहली बार ऐसा हुआ है कि दोनों ही स्टॉक यहां पर है, तो जब भी क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में हो तो पहले टोटल चेक करो, क्या टोटल बराबर है? हां जी बराबर है। तो अब आपने क्या काम करना है, इसका मतलब यह है कि आप ये मानकर चल रहे हैं कि ट्रायल बैलेंस ठीक है, टोटल गलत होता तो पहले ट्रायल बैलेंस ठीक करते, सही है? पॉइंट क्लियर? ठीक है। तो अब नियम यही हो गया कि हर आइटम एक जगह जाएगा, तो अब क्लोजिंग स्टॉक दो जगह नहीं जाएगा इस क्वेश्चन में, क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ट्रायल बैलेंस के में जो होता है वो एक ही जगह पर जाता है, तो इसलिए क्लोजिंग स्टॉक अब ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं दिखाएंगे, बैलेंस शीट में दिखाएंगे, एसेट साइड में दिखाएंगे, याद रखना इस क्वेश्चन में। रेंट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, रेंट पीएनएल और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस फैक्ट्री का है इसलिए ट्रेडिंग में। इसके बाद क्या है? इसके बाद है कैरेज। कैरेज जब कुछ नहीं होता तो हम हमेशा मानते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, इसलिए कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। इनकम टैक्स, हम ये मानते हैं कि अगर ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन चल रहा है या प्रोप्राइटरशिप का चल रहा है तो ये ड्राइंग्स है, तो कैपिटल में से लेस होगा। इनकम टैक्स पेड इन एडवांस, एडवांस में पे कर दिया तो इसे हम एसेट्स में ले सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये ड्राइंग्स हैं क्योंकि ये लाइफ है, ये बिजनेस का इंश्योरेंस नहीं कराया, ये फर्नीचर का इंश्योरेंस नहीं कराया, ये लाइफ का कराया, मालिक की लाइफ का, तो मालिक की लाइफ पर जो भी खर्च हो रहे हैं वो हम ड्राइंग्स मानते हैं। लोन टू राम लायबिलिटी में जाएगा, बोलो गलत जवाब, क्योंकि आपने जैसे सुना लोन लायबिलिटी में आपने यस बोल दिया मेरे लिए, जबकि ये डेबिट में है, तो ये एसेट्स है, इसका मतलब लोन लिया नहीं है, लोन दिया है, तो ये एसेट्स में जाएगा और हम इस पर 12% के हिसाब से इंटरेस्ट वसूल करेंगे, इंटरेस्ट लेंगे राम से। 20,000 का 12% कितना होता है? 2400। क्या मिला या नहीं मिला चेक करेंगे ट्रायल बैलेंस में, क्रेडिट साइड से चेक करो। 1800 रुपए लिखा हुआ है, इसका मतलब कुछ पैसा भी राम जी ने नहीं दिया। कितना नहीं दिया? 600 रुपए हम लेंगे, हमारी एसेट्स है और हमारी इनकम है, वो दो जगह पर जाएगी। इंश्योरेंस प्रीमियम, बिजनेस का एक्सपेंसिस मानेंगे, पीएनएल में दिखाएंगे, डेबिट साइड, बोलो सही है। इंश्योरेंस प्रीपेड, खुद ही मुंह से कह रहा है प्रीपेड, तो प्रीपेड एक तो लेस करते हैं और एक एसेट्स में दिखाते हैं, तो ऐसे ही करेंगे। गलत जवाब, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में है ये, अब दो जगह नहीं जाएगा ये, अब एक जगह जाएगा ये, डायरेक्ट एसेट्स में, इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी अब। हां अगर ये बाहर होता तो दो जगह जाता, यही है बाहर होना और अंदर होने का फर्क, समझ में आ गया? और बच्चे लोग पेपर में यहीं पर गड़बड़ कर जाते हैं, जब इंश्योरेंस प्रीपेड ट्रायल बैलेंस के अंदर देता है वो, सैलरी आउटस्टैंडिंग
ट्रैवलेंस के अंदर दे देता है वो, तो बच्चे कंफ्यूज, वो दो जगह ट्रीटमेंट करके आते हैं और फिर कहते हैं कि बैलेंस शीट का टोटल नहीं मिला। कितनी जगह करोगे? वेरी गुड। क्रेडिट में आ जाओ, कैपिटल बैलेंस शीट में जाएगा, बोलो कहां पर? लायबिलिटी में। क्रेडिटर्स, सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट में, बिल्स पेबल और इंटरेस्ट ऑन राम लोन इनकम है, पी एंड एल अकाउंट में दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में, और जो पैसा नहीं मिला वो जोड़कर दिखाएंगे आउटस्टैंडिंग। अप्रेंटाइज प्रीमियम, जो लोग हमारी फैक्ट्री में काम सीखने आते हैं, हम उनसे पैसा लेते हैं बजाय देने के, तो ये पैसा 12,000 रुपए लिया है हमने उनसे। अगर हमने उन्हें एक साल काम सिखाने के बदले में 12,000 लिया है तो ये एक साल की इनकम, अगर दो साल के बदले में लिया है तो इसे दो हिस्सों में बांटेंगे, एक हिस्सा इस साल की इनकम, एक हिस्सा अगले साल की इनकम। अब ये कितने साल के लिए लिया है ये बताएगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन। आइए सबसे पहले चलते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। पॉइंट नंबर थर्ड, दो साल के लिए लिया है, इसका मतलब 12,000 के दो हिस्से, 6,000 इस साल की इनकम, 6,000 अगले साल की इनकम, तो मैं कहूंगा कि अगले साल की इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, तो इसलिए इस साल आप पी एंड एल अकाउंट में इनकम 12,000 नहीं दिखाएंगे, इसी साल वाले दिखाएंगे 6,000, बाकी बची हुई 6,000 को आप एडवांस मानेंगे और आप बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, लायबिलिटी साइड में रखेंगे, ये मानते हुए कि इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अप्रेंटाइज प्रीमियम रिसीव्ड इन एडवांस। बोलो सही है। आइए ट्रायल बैलेंस पढ़ने के बाद अब हम चल रहे हैं कहां पर? एडिशनल इन्फॉर्मेशन पर। पहली इन्फॉर्मेशन, प्लांट एंड मशीनरी में एक मशीन शामिल है 2,00,000 रुपए की, और जो हमने पहली अक्टूबर 1993 को खरीदी थी 2,00,000 रुपए की, सही है। अब जरा ऊपर देखो, प्लांट एंड मशीनरी कितने की है, और उसके और ऊपर देखो ट्रायल बैलेंस की डेट, तो आपका अकाउंट खत्म हो रहा है 31 मार्च 1994। काफी पुराना क्वेश्चन छपा हुआ दे दिया मैंने आप लोगों को, ठीक है। अब इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी दे रखी है बताइए? 12,00,000। अब इसके वो दो हिस्से करवा रहा है, एक नीचे बता रहा है ना 2,00,000, तो बाकी बचा ये 2,00,000 वाला। कब खरीदा हमने? पहली अक्टूबर 1993 को खरीदा। कब खरीदा? तो स्टूडेंट्स, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने। तो स्टूडेंट इसमें 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा और इसमें 12 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा, बस ये बातें ध्यान में रखनी है। ये बात सबकी समझ में आ गई? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बता रहा है वो डेप्रिसिएशन का, पॉइंट नंबर सेकंड में बता रहा है 10%। तो स्टूडेंट 2,00,000 का 10% होता है 6 महीने का 10,000, और 10,00,000 का 10% कितना होता है? 1,00,000, सही है। दोनों मिलाकर कितना होता है? तो 1,10,000 रुपए प्लांट एंड मशीनरी पर डेप्रिसिएशन लगाना मत भूलना, और मैं ये पॉइंट इस वीडियो क्लास में दोबारा नहीं बताऊंगा। समझ में आ गया? बोलो कितना डेप्रिसिएशन लगा? क्या सीखा? जब कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और वो ये बताता है कि किसी मशीन का या किसी एसेट का कोई हिस्सा साल के बीच में खरीदा गया है, तो जो साल के बीच में खरीदा है उस पर डेप्रिसिएशन उतने महीने का लगाओ जितने महीने वो पर्टिकुलर एसेट यूज करिए, और उसके अलावा जितनी भी एसेट बच जाती है उस पर 12 महीने का डेप्रिसिएशन लगाओ, उस पर हो जाएगा ठीक। पॉइंट नंबर फर्स्ट और पॉइंट नंबर सेकंड समझने के बाद अब हम आते हैं पॉइंट नंबर थर्ड पर, ये भी मैं समझा चुका हूं, अप्रेंटाइज प्रीमियम। इसके बाद पॉइंट नंबर फोर्थ कहता है सैलरी फरवरी महीने की मार्च महीने की बकाया है। फरवरी मार्च का मतलब कितने महीने होते हैं? 2 महीने। अब एक स्टूडेंट बोला कि सर ये तो समझ में आ गया कि सैलरी आउटस्टैंडिंग है, पर अमाउंट तो दिया हुआ ही नहीं है, कैसे निकालूंगा? तो इसका मतलब है बच्चों कि साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने, और उसमें से कितने महीने की पेमेंट नहीं करी, तो कितने महीने की 10 महीने। ऊपर देखो सैलरी 80,000 को 10 से भाग कर दो, 80,000 को 10 से भाग कर दो तो एक महीने की सैलरी कितनी आ गई, तो 2 महीने की कितनी आएगी, तो 16,000 रुपए आउटस्टैंडिंग सैलरी है। और ये कितनी जगह दिखाएंगे?
एक सैलरी में जोड़कर, दूसरा नहीं दी इसलिए लायबिलिटी को। समझ में आ गया। नेक्स्ट, गुड्स वर्थ 15,000 सोल्ड एंड डिस्पैच ऑन 27th मार्च बट नो एंट्री वाज पास्ड टू द फैक्ट। क्या मतलब है? 27 मार्च 31 मार्च से पहले आता है या बाद में आता है? तो इसका मतलब ये घटना इसी साल की है। अगर ये घटना 27 मार्च 31 मार्च के बाद आता तो क्या होता? तो कुछ नहीं होता वो, क्योंकि वो अगले साल लिखा जाता, फिर वो इस साल के फाइनल अकाउंट्स में नहीं आता। पर 27 मार्च 31 मार्च से इसी साल आता है। तो इस साल तुमने क्या हुआ, तुमने 15,000 रुपए का माल बेच दिया, और क्या हुआ? लिखा नहीं, तो अब लिख दो। अरे नहीं लिखा ना, भूल गए थे ना, तो अब लिख दो। बताओ क्या लिखेंगे? सिंपल सी बात, ये बोलो ये क्या है, ये डेबिट और ये, अरे सेल्स की एंट्री कर दो, उधार सेल्स की, डेटर्स डेबिट टू सेल्स। कितने की सेल्स है ये? तो 15,000 रुपए तुम डेबिट में जोड़ दो और 15,000 रुपए तुम क्रेडिट में जोड़ दो, ट्रायल बैलेंस का टोटल भी मिल गया, बैलेंस शीट भी मिल जाएगी। डेबिट में कहां जोड़ोगे और क्रेडिट में कहां जोड़ोगे? गारंटी देखो, अपने आप याद आएगा कि कहां कहां जोड़ना है। गारंटी देखो, डेटर डेबिट टू सेल्स, तो एक डेटर में जोड़ना है, एक सेल्स में जोड़ना है। समझ में आ गया आप लोगों को? नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5%। तो जो 5% का प्रोविजन बनाओगे वो इस सेल्स, वो इस डेटर्स के 15,000 जोड़ने के बाद वाले पर बनाओगे। जो पुराने डेटर्स हैं उन पर भी प्रोविजन बनाओगे और इन पर भी बनाओगे, ठीक है। लास्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एन एडिशन कैपिटल 1 लाख वाज इंट्रोड्यूस बाय पवन कुमार ऑन 1st अक्टूबर। तो कैपिटल देखो ऊपर कितने की है, 16 लाख रुपए की। सामने देखो यही वाला चक्कर है, डेट कब है आपकी बैलेंस शीट की, 31st मार्च, और जो बीच में पैसा लगाया वो कब लगाया है, 1st अक्टूबर को। अक्टूबर से मार्च कितने महीने होते हैं? अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर कैपिटल कितनी दे रखी है, 16 लाख। 16 लाख में से बीच में कितना पैसा लगा है, 1 लाख। तो 1 लाख रुपए कितने महीने यूज हुए और बाकी कितने बचे, 15 लाख कितने महीने यूज हुए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो 1 लाख रुपए पर 5% 6 महीने का, बोलो कितना हो गया। और 15 लाख रुपए पर 5% बताओ, 75,000 साल भर का, टोटल में आकर कितना हो गया, तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो जगह पर जाता है, एक प्रॉफिट अकाउंट के डेबिट में और एक कैपिटल में जाकर मालिक को मिल जाएगा, इसलिए कैपिटल में ऐड हो जाएगा। इस अमाउंट को उतार लीजिए, इस डेप्रिसिएशन को उतार लीजिए। जब मैं क्वेश्चन कर रहा हूंगा तो मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझे बता देना कि सर प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन 1,10,000 है और सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 77,500 है और सर डेटर्स में 15,000 रुपए जोड़ने हैं आपने और सर सेल्स में आपने 15,000 जोड़ने हैं, ये सब आप मुझे याद दिलाएंगे। और साथ में और सर सैलरी में 16,000 रुपए जोड़ने हैं आउटस्टैंडिंग के। नहीं समझे तुम लोग? चलो फटाफट उतारो और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन करते हैं।
पूरे क्वेश्चन को करके दिखाऊं। चलो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, स्टार्ट करेंगे कहां से? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट पवन कुमार का है, 31 मार्च 1994 का। ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ मिस्टर पवन कुमार। फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 1994, यही है। आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग ओपनिंग स्टॉक से, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। बताइए ओपनिंग स्टॉक कितना था? 70,000। इसके बाद सेकंड आइटम, हमारे पास दो चीजें होती हैं स्टूडेंट्स, परचेज और परचेज रिटर्न। चेक करते हैं परचेज कहां है और परचेज रिटर्न कहां है। परचेज रिटर्न तो है नहीं, परचेजेस है, वो परचेज है 2 लाख रुपए का। अब जब परचेज लिखते हैं तो हमेशा माइंड में एक बात याद रखना स्टूडेंट्स कि कोई ऐसा आइटम तो नहीं है जो परचेज में माइनस होना हो। तो परचेज में कोई भी आइटम एडिशन फॉर्मेशन में होता है, ड्रॉइंग्स वगैरह जैसे ऐसा कुछ हो तो नहीं है। तो अब हम इसे पूरा लग देते हैं, 2 परचेजेस अकाउंट 2 लाख रुपए। परचेज के बाद अगला आइटम आप लोगों को सेल्स याद होना चाहिए, ठीक है। सेल्स जब याद करेंगे तो सेल्स रिटर्न भी याद होना चाहिए। तो सेल्स तो है, सेल्स रिटर्न है क्या? सेल्स रिटर्न डेबिट में होती है, जिसे हम रिटर्न इनवर्ड के नाम से भी जानते हैं, है ही नहीं। तो सेल्स हम देखेंगे 8,20,000। मैंने अंदर क्यों लिखी बताओ? क्योंकि इसमें सेल्स अभी अनरिकॉर्डेड नहीं थी, जो अनरिकॉर्डेड है वो अब रिकॉर्ड कर रहे हैं। अनरिकॉर्डेड सेल्स कितने की थी वो, जो हम लिखना भूल गए थे? अब आप बाहर ले जाइए, समझ में आ गया सभी स्टूडेंट्स को? आपको समझ में आ गया? ये वो वाली सेल्स है जो हम लिखना भूल गए थे। 31 मार्च के पहले आता है या बाद में आता, वो वाला याद आया ना? अभी अभी जो याद दिलाया था, इंफॉर्मेशन नंबर 5वां। मेन मुद्दे यही होते हैं परचेज सेल्स। अब हम जाकर ढूंढेंगे खर्चों को, कौन से खर्चों को? डायरेक्ट एक्सपेंसेस को। आओ ढूंढे, ड्राइंग्स नहीं, प्लांटर मशीनरी नहीं, हॉर्स नहीं, डेटर्स नहीं, परचेज नहीं, वेजेस। वेजेस के बाद अगला आइटम देखो क्या है, कैरेज। अगला आइटम देखो, बस दो ही आइटम है। तो 2 वेजेस और 2 कैरेज। वेजेस बताइए कितना है? 80,000। और जरा कैरेज बता दीजिए, 15,000। सभी सुन जरा सामने देखिए, कैरेज जब ना लिखा हो तो हमेशा कैरेज इनवर्ड ही मानना है। क्या मानना है? आउटवर्ड नहीं मानना है, आउटवर्ड तब मानना है जब वो लिखे। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। ये सब तो पूरा हो गया, क्रेडिट में देख लो कुछ आइटम तुम्हारे लायक नहीं है। अब सिर्फ रह गया एक आइटम, वो है क्लोजिंग स्टॉक। क्या रह गया? और क्लोजिंग स्टॉक इस क्वेश्चन में नहीं लिखेंगे, बोलो क्यों? क्योंकि वो ट्रेडिंग में है तो वो एक जगह पर जाएगा। अगर आप यहां ले गए तो फिर बैलेंस शीट में कैसे लिख पाओगे? इसलिए। समझ में आ गया, पॉइंट क्लियर है? अब हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं, ठीक है। तो जल्दी से स्टूडेंट जो इस क्लास में बैठे हैं मुझे बताएं, क्या ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है? ठीक है, फोर लैख 55,000 टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर आप ऐसा लिखते हैं तो फिर प्रॉफिट अकाउंट अलग से बनाना पड़ता है, ठीक है। और अगर आप इसे कंबाइन बनाना चाहते हैं तो फिर आपको ऊपर लिखना पड़ता है ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये बात याद रखिएगा। तो फिलहाल अब मैं अलग से बना देता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूरा लिखना पड़ेगा ऑफ मिस्टर पवन कुमार, ठीक है, फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 1994। एक बच्चा कह रहा है कि ट्रेडिंग में आपने मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस नहीं डाले, तो मैं उन बच्चों से पूछ रहा हूं तो प्रॉफिट कैसे निकाल दिया?
अच्छा क्लास में बच्चों ने लगा दिया था, तो मैं तभी तो कुछ आइटम ऐसे रह गए थे, तभी तो मैं आखिर तक पूछ रहा था। जरा देखो कहां पर है वो आइटम, रेंट के नीचे लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है? हाँ, कैलकुलेशन में आप लोगों पे भरोसे चल रहा हूं, बोलो फटाफट, क्योंकि अगर मैं करूंगा ना तो वीडियो क्लासेस में क्या लग जाता है, टाइम लग जाएगा, इसलिए जो स्टूडेंट उधर वीडियो क्लासेस देख रहे हैं वो लोग भी कैलकुलेशन अपने आप किया करें, ताकि वो प्रैक्टिकल क्लासरूम की तरह उनको फील होए। हाँ जल्दी से बताइए, कितना था मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस? 15,000। ठीक है, बहुत अच्छी बात, अब तो सही है। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट यहां आ गया, बताइए कितना है? 4 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट लिख देने के बाद प्रॉफिट अकाउंट में कैसे चलें कि हमसे गलती ना हो? सारी एडिशन मेंशन पहले करो। तो आओ चलो पहले एडिशन, पॉइंट नंबर फर्स्ट प्लांट मशीनरी, ये तो नहीं जाएगा, पर पॉइंट नंबर सेकंड डेप्रिसिएशन जाएगा, पॉइंट नंबर थर्ड एपेंटाइज प्रीमियम जाएगा, पॉइंट नंबर फोर्थ सैलरी जाएगा। आइए पहले आइटम नंबर 2, 3, 4 करते हैं। आइटम नंबर 2 में डेप्रिसिएशन है और 2 चीजों का डेप्रिसिएशन है, तो आइए डेप्रिसिएशन करते हैं। 2 डेप्रिसिएशन, प्लांट एंड मशीनरी पर डेप्रिसिएशन है और हॉर्स एंड कार्ट्स। प्लांट एंड मशीनरी पर कितना डेप्रिसिएशन है मैंने निकाल दिया था बताइए? 1,10,000। हॉर्स एंड कार्ट्स ऊपर देखो ट्रैवलेंस में कितने, जाइए देखिए, हॉर्स एंड कार्ट्स कितना है? 2,60,000 रुपए, और डेप्रिसिएशन का रेट कितना है? 20% नीचे लिखा हुआ है, तो 2,60,000 पर 20% निकालिए, 52,000। 52,000 आप यहां लिख देंगे, टोटल करेंगे, बाहर ले जाएंगे, आ गया। अब इसके बाद आइटम नंबर 2 तो हो गया, आइटम नंबर 3 क्या है? अप्रेंटाइज प्रीमियम, तो वो यहां लिख देते हैं भाई, और कितना लिखेंगे? इस साल वाला, एक साल का, जो इस साल का है। समझ में आ गया? क्लियर है। अब इसके बाद आइटम नंबर 4 सैलरी, 2 सैलरी, सैलरी कितना दिया हुआ क्वेश्चन में? 80,000 10 महीनों का, तो इसमें हम क्या जोड़ देंगे? आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना हो गया, बोलो कितना आ गया? सबको समझ में आ गया? क्लियर है। आइटम नंबर 2, 3 और 4 करने के बाद आइटम नंबर 5 है सेल्स का, जो हम कर चुके हैं। आइटम नंबर 6 है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का, किसका है? तो 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। जब भी स्टूडेंट यहां पर प्रोविजन फॉर डाउट डेब्ट लिखते हैं डेबिट में, हमेशा ध्यान करते हैं कि कोई फर्दर बैड डेब्ट तो नहीं है, अगर फर्दर बैड डेब्ट होता है तो वो माइनस करने के बाद इसे निकालना चाहिए। इस क्वेश्चन में फर्दर बैड डेब्ट है नहीं, ट्रायल बैलेंस में डेटर्स में जाइए, ट्रायल बैलेंस में डेटर्स कितने हैं? ट्रायल बैलेंस में डेटर्स हैं 3,00,000, लेकिन तुम्हें मालूम है ये 15,000 रुपए की सेल्स आप भूल गए थे लिखना, तो ये जो अनरिकॉर्डेड है जब इसे रिकॉर्ड करेंगे तो डेटर्स बढ़ जाएंगे आपके, और फिर डेटर्स कितने हो जाएंगे? 3,00,000। अब इस पर बनेगा प्रोविजन, इसका कितना परसेंट, कितना परसेंट इसका? तो सभी स्टूडेंट इसका 5% निकालिए और वो यहां लिख दीजिए, कितना है? 17,750। समझ में आ गया? ये 2 जगह पर जाएगा, यहां है और बैलेंस शीट में डेटर्स में से माइनस हो। इसके बाद क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है बस, और कुछ नहीं है, तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बताओ कितना है? मैंने निकाला था, मैंने बोला था मैं पूछूंगा तुम बताओगे, 70,500। सही है, पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन खत्म करने के बाद ट्रायल में दोबारा जाना चाहिए और उन आइटम को पकड़ना चाहिए जो बच गई है। देखो वहां पर क्या बच गई है, डेबिट में देखो, डेबिट में देखिए, डेबिट में देखिए कौन कौन से आइटम है, रिपेयर है, रेंट है, बेड डेब्ट्स है, ठीक है, 3 आइटम नजर आ रहे हैं फिलहाल। पहले वो लिखते हैं,
टू रिपेयर, टू बैड डेब्ट्स, टू और क्या था, रेंट। जरा मुझे अमाउंट बताएंगे इसके, रिपेयर के 5000, 45000 बैड डेब्ट्स, रेंट के 45 थे, अच्छा, और रेंट और बैड डेब्ट्स के 50000, यानी ये ऐसे, ये ठीक है, पेपर में ऐसे मत करना, नंबर कट जाते हैं, ठीक है। हाँ जी, अब मैं तो आप पर डिपेंड हूं, आप मुझे अमाउंट जैसा बता रहे हो वैसा लिखता जा रहा हूं। अब आप एक ऑर्डर पहले बता दोगे तो देखो ऐसा हो जाता है, मेरी मिस्टेक मत समझना बस। इसके बाद आगे चलते हैं, इसके बाद इनकम टैक्स तुम्हें मालूम है, ड्राइंग्स, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम तुम्हें मालूम है, ड्राइंग्स, लोन तुम्हें मालूम है, इस पर इंटरेस्ट आना है, क्या आना है, और वो आपकी इनकम हो जाएगी। तो भाई इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है और उसमें कितने ऐड करने चाहिए जो आपको मिलने हैं पर आपको नहीं मिले, बोलो, दोनों मिलाकर, समझ में आ गया। इसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम 12000 है, वो लिखेंगे, तो इंश्योरेंस 12000, समझ में आ गया आप लोगों को। जरा देखिए ट्रैवलेंस का डेबिट में कुछ नहीं छोड़ा, वो सारे आइटम ले लीजिए जो पेंडल में आने चाहिए, और क्रेडिट में जो पेंडल में आने चाहिए वो एक ही आइटम था, वो सॉरी दो आइटम थे, एक इंटरेस्ट ऑन राम लोन और अपरेंटाइज प्रीमियम, और दोनों ले लिए गए हैं। इंफॉर्मेशन में पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, छठा पॉइंट और सातवां पॉइंट, सभी आइटम ले लिए गए हैं। और अब हम प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे, बताइए प्रॉफिट आ रहा है लॉस आ रहा है, लॉस आ रहा है, तो लॉस में इधर का टोटल ज्यादा आता है, वही टोटल यहां लिखा जाएगा, बताइए यहां का टोटल कितना आया, 465,250 बताया जा रहा है, वही हम यहां लिख देंगे, और इसमें से इन तीनों का डिफरेंस निकालेंगे, जो आएगा उसे हम बोलेंगे बाय नेट लॉस। हाँ जी, कितना, 1,850। और अब इसके बाद बनाएंगे हम बैलेंस शीट। आइए अब हम बनाते हैं बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर पवन कुमार। बैलेंस शीट में फॉर द ईयर एंडिंग नहीं लिखते, एज ऑन लिखते हैं, एज ऑन 31 मार्च 1994। क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि बैलेंस शीट एक दिन की होती है, बैलेंस शीट सिंगल डे की होती है, और ट्रेडिंग पीरियड 12 महीने का भी हो सकता है, 6 महीने का भी हो सकता है, तो जितने पीरियड का होता है उतने पीरियड के इसमें एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं। अगर ये 12 महीने का, तो 12 महीने की परचेज, 12 महीने की वेजेस, 12 महीने के कैरेज, ना 10 महीने के, ना 13 महीने के, 12 ही महीने के, समझ में आ गया। ये एक दिन का है तो ये एक ही दिन का आएगा। यहां पर क्या आता है और यहां पर क्या आता है, यहां पर क्या लिखते हैं, अमाउंट। ये बात क्लियर हो गई सभी स्टूडेंट्स को। अब हम जा रहे हैं कहां पर, बैलेंस शीट में कहां पर जाना चाहिए, पहले ट्रायल बैलेंस में। चलो ट्रायल बैलेंस में चलते हैं। ट्रायल बैलेंस में ड्राइंग्स तुम्हें मालूम है कैपिटल में से लेस होती है। अच्छा, नया फॉर्मेट आप लोगों को मालूम है बैलेंस शीट का, नया फॉर्मेट यह है कि पहले कैपिटल लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी जो लंबे समय की लायबिलिटी होती है, फिर और एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स, और फिर करंट एसेट्स, जिसे हम इसे नॉन करंट एसेट्स बोलते हैं और इसे करंट एसेट्स ही बोलते हैं। यह नया फॉर्मेट है, लेकिन यह कंपनी एक्ट पर अप्लाई होता है, कंपनी पर अप्लाई होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप पर नहीं होता, पार्टनरशिप पर नहीं होता। लेकिन हम जब आप बैलेंस शीट बनाएं तो थोड़ा सा इस फ्लो को ध्यान में रखते हुए बनाएं तो अच्छा रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसी फॉर्मेट से। फॉर्मेट की हेडिंग नहीं देंगे, लेकिन मन में यही रखेंगे कि सबसे पहले कैपिटल लिखें। आइए कैपिटल लिखते हैं। कैपिटल कितनी है, 16 लाख। इसमें हम सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जोड़ेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, इधर देखो लिखा था यहां पर 77,500, ये आइटम ऐड करने वाला था,
अब इसमें से हम लेस वाले आइटम लेस करेंगे, क्योंकि यहां लॉस हुआ है तो लेस होगा और ड्रॉइंग्स लेस होंगे तो लेस, नेट लॉस। नेट लॉस कितना है? 1850। इसे ऐसे दिखा दें आप, और फिर ड्रॉइंग्स जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं कितने हैं? 1,20,000, सही है। इसके अलावा लायबिलिटी साइड, डेबिट साइड में लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम लिखा हुआ था और इनकम टैक्स लिखा हुआ था, तो टैक्स और LIC। टैक्स कितना था? ध्यान से सोच के बताइएगा। और LIC कितना था लाइफ इंश्योरेंस? हाँ जी, 30,000 रुपए था। और इन सबको, इसको प्लस करके, इन सबको लेस करके यहां ले जाएंगे, जो अभी आप मेरे लिए करके दिखाएंगे। एक बच्चा कह रहा है 15,09,650, ठीक है जी। अब इसके बाद कैपिटल हो गई है, अब लंबे समय की लायबिलिटी, लंबे समय की लायबिलिटी ट्रायल बैलेंस में कहां मिलेगी? क्रेडिट में। आओ क्रेडिट में चलें। लंबे समय की लायबिलिटी कोई है ही नहीं, कोई हमने लोन ही नहीं ले रखा है ही नहीं, उल्टा दिया हुआ है, तो इसलिए कुछ नहीं। अब छोटे समय की लायबिलिटी जिसे हम बोलते हैं करंट लायबिलिटी, क्या बोलते हैं? तो करंट लायबिलिटी में जो है क्रेडिटर्स वगैरह, बिल्स पेबल वगैरह आते हैं, तो क्या है देखें जरा आप, क्रेडिटर्स हैं और क्या है? बिल्स पेबल है, दो चीजें हैं। तो क्रेडिटर्स लिखते हैं स्टूडेंट्स और बिल्स पेबल लिखते हैं, सही है। और आ जाइए इधर, यहां पर देखिए जो आपने आइटम यहां पर ऐड करें, जैसे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये वहां पर आएगा, समझ में आ गया। और जो इनकम रिसीव इन एडवांस आपके पास है वो आएगा, समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, आइए। तो यानी क्या आएगी? आउटस्टैंडिंग और अप्रेंटाइज प्रीमियम लिख देंगे तो काफी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सबको समझ में आ गया? ठीक चल रहा है, ठीक। क्रेडिटर्स कितने हैं? 2,60,000, ठीक है स्टूडेंट्स। बिल्स पेबल कितना है? 2,21,200। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना जोड़ा हमने? 16,000 रुपए। और अपेंटाइज प्रीमियम 6,000 रुपए। समझ में आ गया? पॉइंट क्लियर हो गया? अब हम आते हैं एसेट्स में। एसेट्स में पहले आएंगी लंबे समय की एसेट्स, फिक्स्ड एसेट जिसे आप बोलते हैं। फिक्स्ड एसेट में प्लांटर मशीनरी है, हॉर्स एंड कार्ट्स है, और नीचे तक और कोई नहीं है, तो इन्हीं दो को हम पहले लिखेंगे। प्लांट एंड मशीनरी, सही है। क्या है जी? प्लांट एंड मशीनरी कितना है क्वेश्चन में? 12,00,000। और 12,00,000 में सभी स्टूडेंट जरा सामने देखे, डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, जो ये 1,10,000 रुपए है, लेस डेप्रिसिएशन 1,10,000, 12 में से एक गए तो 11,00,000, 10,90,000 रुपए आना चाहिए। फिर है हॉर्स एंड कार्ड्स। हॉर्स एंड कार्ड्स कितना है जरा देखें? 2,60,000 लेस डेप्रिसिएशन, कितना है डेप्रिसिएशन? 52,000। 2,08,000। फिक्स्ड एसेट्स कंप्लीट हो गई। अब हम जा रहे हैं करंट एसेट्स की ओर, देखें जरा क्या क्या है करंट एसेट्स में। तो करंट एसेट्स में क्या क्या है भाई, जरा देखो। डेटर्स है, और क्या है? बैंक है, और क्या है? क्लोजिंग स्टॉक है। आइए लिखें सबसे पहले डेटर्स। डेटर्स कितने हैं? डेटर्स कितने हैं जरा बताइए? 3,00,000। और अनरिकॉर्डेड भी थे ये वाले, तो दोनों मिलाकर कितने हो गए? 3,55,000 लेस। प्रोविजन लिखना काफी होता है,
और आपने प्रोविजन कितना बनाया था यहां पर 17, तो ये माइनस करेंगे हम और जो आ जाएगा बाहर ले जाएंगे, कितना आ गया चेक करके बताना सही माइनस किया या नहीं किया, ठीक है। इसके बाद डेटर्स के बाद क्या है, डेटर्स के बाद है कैश एट बैंक है, हमें उसमें बताया हुआ है और साथ में क्या बताया हुआ है, वैसे सबसे लास्ट में लिखना चाहिए था पर यहीं लिख देते हैं, कैश एट बैंक कितना है 260,000। इसके बाद क्या है, करंट एसेट ढूंढिए, इसके बाद सैलरीज नहीं जा चुकी, रिपेयर जा चुकी, ओपनिंग स्टॉक है और क्लोजिंग स्टॉक जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक कितना है जी 92, ठीक है। इसके बाद रेंट जा चुका है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसिस जा चुका है, बैड डेट जा चुका है, कैरिज जा चुका है, इनकम टैक्स जा चुका है, इनकम टैक्स पेड इन एडवांस आएगा, ठीक है, और लोन पर जो इंटरेस्ट है जो नहीं आया वो आएगा और इंश्योरेंस प्रीपेड आएगा, तीन आइटम आएंगे। तो पहला क्या लिखें हम, हां जी इनकम टैक्स पेड इन एडवांस, तो इसे हम कहेंगे इनकम टैक्स प्रीपेड, बोलो कितना कितना बता रहे 4000, ठीक है। इसके बाद अगला आइटम क्या पेड कह रहा है आप लोगों ने, इंश्योरेंस प्रीपेड, वो कितना है, और इसके बाद तुम्हें मालूम है कि ये एक्रूड इंटरेस्ट है जो आपको अभी तक मिला नहीं, जो आपको मिलना चाहिए, बोलो कितना, सबको समझ में आ गया, हर आइटम दो जगह पर गया या नहीं गया ये भी चेक करना होता है, पहला आ जाओ डेप्रिसिएशन दो जगह चले गए हैं, अप्रेंटाइज प्रीमियम 6000 रुपए इधर और 6000 रुपए इधर ये भी चला गया है, सैलरी आउटस्टैंडिंग इधर है और इधर भी है, दोनों जगह चली गई है, अनरिकॉर्डेड सेल्स थी, सेल्स में जोड़ दिया, डेटर्स में जोड़ दिया, प्रोविजन उधर भी दिखा दिया इधर भी दिखा दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उधर भी दिखा दिया इधर ऐड कर दिया, सबको समझ में आ गया, और अब इसका टोटल मिलना चाहिए, टोटल कीजिए और बताइए क्या आ रहा है टोटल, हाँ जी अब इसे कर दिया, कर लोगे अब इसे, बोलो सही है नहीं गलत है, एक आइटम ऐसा है जो इंतजार कर रहा है और वो आपने अभी तक नहीं लिखा है और आपने ध्यान नहीं दिया कि वो भी जाना चाहिए, बताओ कौन सा, वो है ये इसके पापा जी, ये कहां से आए 2400 रुपए, आपने किसी को लोन दिया था, वो थे मिस्टर राम जो ट्रायल बैलेंस के डेबिट में है, देखो ट्रायल बैलेंस के डेबिट में है 20,000 रुपए, मैंने आपको बताया था हर आइटम ट्रायल बैलेंस के जो अंदर होता है वो एक जगह पर जाता है, हर आइटम तुमने एक जगह पहुंचाया, देखो ड्राइंग से आपने यहां पहुंचाया, कहीं और तो नहीं पहुंचाया क्योंकि एक ही जगह जाएगा, प्लांटर मशीनरी है वो भी एक ही जगह पर ले गए, आप हॉर्स एंड कार्ड्स है वो भी एक ही जगह पर ले गए, डेटर्स भी एक ही जगह पर ले गए, परचेज भी एक जगह ले गए, वेजेस भी एक जगह ले गए, कैश एट बैंक भी एक जगह ले गए, हर आइटम एक जगह पर गया है, मुझे ये बात बता दो लोन टू राम 20,000 रुपए एक जगह कहां गया है, क्या वो ट्रेडिंग में नजर आ रहा है, क्या वो पीएनएल में नजर आ रहा है, तो फिर बैलेंस शीट में जाएगा ना, तो भूल कैसे जाते हो आप, अब बैलेंस शीट में कहां जाएगा, लायबिलिटी एसेट्स, ये डिपेंड करता है कि वो ट्रायल बैलेंस में डेबिट में क्रेडिट में, अब बताओ वो डेबिट में क्रेडिट में, डेबिट में है तो वो एसेट्स में जाएगा क्योंकि आपने वो लोन दिया है, तो आपको लोन कहां लिखना चाहिए, लोन आपको यही लिखना चाहिए, लोन टू रा कितना है 20,000, अब इसका टोटल करेंगे तो मिलेगा, बताओ कितना कितना आ गया, जो भी आ गया वो आप कर दीजिएगा, ठीक है, किसी ने किया है 20,850, ये इन दोनों साइड का टोटल आएगा, ये आप कर दीजिए, इस तरीके से क्वेश्चन खत्म होता है, ठीक है, हाँ ठीक है बिल्कुल, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन अब आप लोगों को समझ में आ रहे हैं, चलते चलते अब ये फाइनल अकाउंट सब आसान लगने लग गया होगा, फाइनल अकाउंट बेसिकली प्रैक्टिस का गेम है और कुछ नहीं है,
जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आप उतने ज्यादा इसके मास्टर बन जाते हैं. मोर प्रैक्टिस यू कैन बिकम मोर मास्टर ऑफ दिस गेम दिस चैप्टर. ठीक है, तो कितने क्वेश्चंस करें कि हम इसके मास्टर बन जाएं या हम इसके पेपर में हमसे जो शेड्यूल टाइम होता है उस टाइम में कर पाए. मेरे हिसाब से कम 20 क्वेश्चंस ऐसे जो अभी बोर्ड पर हमने करे ना, ऐसे 20 क्वेश्चन हम एडजस्टमेंट वाले अगर कर लेंगे तो 20वें क्वेश्चन तक पहुंचते वो कॉन्फिडेंस आने लग जाता है. एक बात और, माइंड का बैलेंस बहुत जरूरी है फाइनल अकाउंट्स में. माइंड का कई बार होता ही है, एग्जामिनेशन हॉल में आप फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन कर रहे हैं और उसी समय हॉल में कोई घटना घटित हो जाए. घटना क्या होगी, किसी के कुछ पकड़ा गया आसपास, उसके चक्कर में तुम्हारा ध्यान डिस्टर्ब हो गया, या आप अच्छे से क्वेश्चन कर रहे हो इतने में मैडम जी आई और उन्हें क्या कहा आपके टेबल पर आकर, बेटा जरा सिग्नेचर कर देना. बस वो सिग्नेचर का जो लम्हा है, सिग्नेचर गया तुम्हारा दिमाग ही ले गया, समझे हो? वो जो सिग्नेचर करवाने आए थे अपनी अटेंडेंस शीट का, उस चक्कर में तुम्हारे माइंड में जो जो चल रहा था वो भी उड़ गया सॉरी तुरंत. और फिर जब उसके बाद जब अब तुम करोगे तो अब बाई चांस हो सकता है 10 में से 2 को स्टूडेंट्स फाइनल अकाउंट्स ना कर पाए. बात समझे? तो यानी इन क्वेश्चनों को तब पकड़ना चाहिए जब सुकून वाले हालात हो. अब आसपास क्या पकड़ा जा रहा है इसमें तो तुम अनकंट्रोलेबल है, तुम्हें कुछ नहीं मालूम. पर जो अटेंडेंस शीट जिस समय चल रही होती है वो स्टार्टिंग का प्रोसेस होता है शुरू के आधे घंटे का. शुरू के आधे घंटे में छोटे छोटे क्वेश्चन पकड़ने चाहिए, बड़े क्वेश्चन नहीं जो मेमोरी बेस्ड होते हैं. ठीक है, मेमोरी बेस्ड वाले बीच में या लास्ट में पकड़ने चाहिए. ठीक है, और आपके जो संगी साथी अगर आसपास हो कोई हेल्प मांगने वाले तो उनसे दूर रहना चाहिए, तब ये ऐसे बड़े क्वेश्चन टाइमिंगली खत्म हो पाते हैं. ठीक है, आज के इस मैसेज के साथ आज की क्लास खत्म करते हैं.